नमस्कार दोस्तों मैं सत्येंद्र सर स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरु जी पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के तेरे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया जो एग्जाम में होगा उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न होगा जैसे कि हम देख रहे हैं दिए गए प्रश्न में विषम चुनना जैसे कि इसके लिए ऑप्शन है ए बी सी डी इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा और प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम को चुनिए फिर से कि ये नंबर है कि चार ऑप्शन इसके लिए भी दिया गया इसमें से कौन सा योग पता लगाना है और मेरे भाई जो प्रश्न है संबंधित संख्या का पता लगा यानी कि 12 का संबंध 150 से है उसी प्रकार 14 का संबंध किस से होगा हमसे वो पूछा गया है इसमें चार ऑप्शन है मेरे भाई ठीक है और ये पार्ट नंबर 15 है ठीक है आप लोगों ने अगर पार्ट नंबर 14 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो सत्येंद्र गुरु जी के यूट्यूब चैनल पर वीडियो सेक्शन में जाकर पूरे के पूरे जाकर वहाँ से प्रश्न को हल करके और देख सकते हैं सभी का सभी प्रैक्टिस वहां तो पे पारा हुआ है ठीक है तो चलिए मैं शुरू करता हूं आपको इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे सी टेट हो गया अग्निवीर एसएससी सीजीएल सी एच एस एल सीपीओ एम टी एस एस्टेट एग्जाम जी आई एस एफ डीआरसी जी डी एस सीआरपीएफ सीआईएसएफ एसएससी स्टेनोग्राफर आई टी बी पी बैंक रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी आर पी एफ पुलिस दरोगा नेवी जी डी ए टी सी यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो उस सभी के लिए ये वीडियो काफी है ठीक है तो आपको ले चलते हैं प्रश्न संख्या एक की तरफ प्रश्न संख्या एक कहता है ध्यान से पढ़ेंगे नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है ओहो हो यानी कि जो नीचे जो नंबर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है ना इसके जगह पर मिसिंग है उसके जगह पर कौन सा नंबर आएगा हमसे पूछा जा रहा है और मेरे भाई एस एस सी एम टी एस तीन अक्टूबर दो हज़ार सत्रह में ये प्रश्न पूछा हुआ है ठीक है तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहला मेरे दोस्त ई वाले जो बक्स है इसमें तुम समझो कि नौ से नब्बे कैसे बनाया है ठीक है उसके बाद ग्यारह से तुम समझो कि एक सौ बत्तीस कैसे बनाया है फिर समझो आठ से बहत्तर कैसे बनाया है उसके बाद आगे जो होगा वो दस से यहाँ पर हम भी उसी वैरायटी में बना देंगे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे साफ आपको सस्ता उपाय हम बताते हैं और उपाय क्या होगा ध्यान से हम लोग देखेंगे देखो मेरे दोस्त यहाँ पर हम सभी को देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पहले बॉक्स है इसमें हम देख रहे हैं ध्यान से देखेंगे जो नौ है लिखा कितना ऊपर में लिखा है नौ ठीक है यानी कि ऊपर में नौ लिखा है और नौ से आगे का जो नंबर होता है वो कितना होता है अपने मन से लिखना इसको नौ से जो आगे नंबर होता है क्या होता है अपने मन से नौ के अगला जो नंबर होता है वो दस होता है बस इसी को मल्टीप्लाई कर दो दस नंबर कितना हो जाएगा नब्बे ओहो हमने तो समझ गया कैसे किया यानी कि जो नौ है ना उससे अगला नंबर से उसमें मल्टीप्लाई कर दिया है ठीक है देखो दुसार का बॉक्स है इसमें आपको हम समझाते हैं कैसे ध्यान से देखेंगे दुसार का बॉक्स में क्या लिखा है तो ग्यारह लिखा है लिखा है यानी कि का बॉक्स में लिखा है कितना तो ग्यारह ठीक है सॉरी ग्यारह लिखा है तो इससे आगे का एक नंबर एक बढ़ा देंगे वो कितना होगा बारह यानी कि अगला नंबर जो होगा वो बारह होगा और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे ग्यारह को बारह से मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो एक सौ बत्तीस आ जाता है ठीक है मेरे भाई यानी कि एक सौ बत्तीस जो कि यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है चलिए जब ऐसा बात है तो मेरे दोस्त यहाँ पर आठ है ना इसको नौ से गुना करने पर बहत्तर आ जाना चाहिए क्योंकि आठ के यहाँ पर जो है लिखा है आठ इससे आगे जो नंबर होता है वो होता है कितना तो नौ होता है आठ को नौ से हमने गुना किया तो बहत्तर ओहो सही बात है ऐसा ही लॉजिक है भाई तो देखो यहाँ पर यहाँ पर दस है दस को हम किस से गुना करेंगे इससे एक बढ़ा के लिए इसके अगला नंबर क्या होता है तो ग्यारह होता है दस का अगला नंबर होता है कितना तो ग्यारह इसको गुना करेंगे तो ग्यारह दही कितना हो जाएगा एक सौ दस यानी कि इस प्रश्न का आंसर एक सौ दस हो जाएगा और कौन सा ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ठीक है तो मेरे भाई आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे चलिए तो आप लोग तरीका को समझते चलिए रटिए नहीं प्रश्न को चलिए हम अब बढ़ते हैं दो नंबर प्रश्न की तरफ दो नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दो नंबर प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्न में श्रृंखला को पूरा करना है यहां पर श्रृंखला क्या दिया गया दिया गया है 16 है उसके बाद है 24 है उसके बाद में है कितना तो 36 है उसके बाद में यहाँ पर 36 के बाद में क्या है छत्तीस के बाद में है क्वेश्चन मार्क है उसके बाद में है कितना तो इक्काशी हमसे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमको बताना होता है तो मेरे भाई मेरे दोस्त हम सबको देख रहे हैं यहाँ पर कि 16 से चौबीस कैसे बना इसको चेक करो 16 से चौबीस बनाने के लिए इसको हम एक बटा दो से गुना करना पड़ेगा यानी कि इसका डेढ़ गुना यानी कि सॉरी इसका डेढ़ गुना कर रहे हैं सोलह का डेढ़ गुना से गुना करना पड़ेगा यानी कि सोलह का एक गुना का एक बार ऐसे आप ऐसे समझिए ऐसे छोड़ दीजिए सोलह का गुना किया है जीरो दशमलव पाँच से ठीक है सोलह को गुना किया है जीरो दशमलव पाँच से तो कितना हो जाएगा जानते हैं यानी कि सो जीरो दशमलव पाँच नहीं नहीं यार सोलह का गुना करेंगे एक दशमलव पाँच से तो कितना हो जाएगा ध्यान से देखो इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम देखो यहाँ पर सोलह एकम सोलह हो जाएगा सोलह पचे कितना हो जाएगा तो अस्सी यानी कि सोलह में सोलह पंद देखो ऐसे भी तुम कर सकते हो पंद्रह छक नब्बे के जीरो हास दशमलव का अभी भूल जाओ पंद्रह छक नब्बे के जीरो हासिल कितना आया तो हासिल आया मेरे दोस्त नौ और पंद्रह नौ कितना होता है मेरे भाई चौबीस और एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे बिल्कुल यहाँ पर चौबीस है कहने का मतलब यानी कि जो भी नंबर है उसका और डेढ़ गुना कर रहा है यानी कि एक से गुना किया है चौबीस से छत्तीस कैसे बनाया तो इसको भी मेरे भाई एक दशमलव पाँच से गुना किया है डेढ़ है चौबीस डेढ़ है कितना हो छत्तीस तो हम क्या करेंगे मेरे भाई मेरे बंधु छत्तीस से यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह नंबर आएगा उसको भी हम अपने मन से वन दशमलव पाँच यानी कि डेढ़ गुना करेंगे तो छत्तीस का डेढ़ गुना करते ही मेरा आंसर निकल के आ जाता है कितना तो चौवन छत्तीस डेरे होता है चौवन और चौवन को अगर हम डेढ़ गुना करें क्या एकासी आ रहा है बिल्कुल सही बात है यानी कि चौवन को जैसे ही डेढ़ से गुना करेंगे तो एक आ जाएगा अब देखो मेरे दोस्त यहाँ हमारा आंसर जो है कितना तो चौवन है और चौवन ऑप्शन नंबर डी में ही सॉरी ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है और एस एस सी सी जी एल दस जून दो हजार उन्नीस का पूछा हुआ प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न को रटिए नहीं समझिए आप लोग ये बात को समझिए कि इसमें लॉज क्या लगा हुआ है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि तीन नंबर प्रश्न की तरफ तीन नंबर प्रश्न कहता है नीचे दिए गए प्रश्न में श्रृंखला को पूरा करें ओहो यहाँ पर सत्रह गुना तेरह जो है वो कितना है चार है सोलह गुना चौदह किया है दो और उनतीस गुना तेईस क्या होगा हमसे प्रश्नवाचक के जगह पूछा जाएगा और एस एस सी एम टी एस नौ अक्टूबर दो हज़ार सत्रह में भी पूछा गया है और एस एस सी एम टी एस नौ अक्टूबर दो हज़ार सत्रह में थर्ड पाली में भी यहाँ पर फर्स्ट पाली होगी यहाँ पर थर्ड पाली दो फर्स्ट और थर्ड तीन दोनों में पूछा गया तो मेरे भाई मेरे बंधु हम आपको एक ट्रिक बताते हैं क्या ध्यान से पढ़िएगा क्या बात को आप लोग समझिए कि सत्रह से तेरह कैसे बना तो मेरे भाई हम सभी कोई जानते हैं कि यहाँ पर जो सत्रह है इस गुने के जगह पर अगर अपने मन से माइनस का सिंबल लगा दें और यहाँ पर तेरह है और इसको अब हम सॉल्व करें तो सत्रह में से तेरह जाएगा तो चार ना बचेगा बिल्कुल सही बात है आ जब ऐसा बात है रे बाबू तो यहाँ पर है कि सोलह गुना चौदह दो आना चाहिए तो देखो यहाँ पर सोलह गुना के जगह पर अपने मन से रखना कितना माइनस उसके बाद है चौदह अब घटाओ सोलह में से चौदह घटाएंगे दो ओहो बिल्कुल सही बात है ऐसा ही किया है गुना के जगह पर माइनस कर दिया है तो यहाँ पर जो लिखा है कितना तो उनतीस लिखा है ना उसके बाद में है गुना तो इसके जगह पर लगाएंगे माइनस उसके बाद में है कितना तो भाई तेईस है उनतीस में से हम तेईस को घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा

चलिए तो हम बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही बेन को बता देना है ओहो सही बेन डे ग्रह जैसे कि मेरे भाई पृथ्वी है उसके बाद शुक्र है उसके बाद ग्रह है तीनों को बेन आरेख में कैसे निरूपित किया जाएगा हमसे हम वो पूछा जा रहा है मेरे भाई मेरे बंधु हम सब कोई जानते हैं अपने आप में पृथ्वी एक क्या है तो ग्रह है और शुक्र भी एक ग्रह है और लेकिन इन दोनों जो है वो, वो दोनों क्या है ग्रह है तो दोनों ग्रह के अंदर आएगा ना अब कहने का मतलब मेरे भाई जो पृथ्वी है ना यहाँ पर बनाते हैं यहाँ पर ये छोटा सा जो है ई हो गया पृथ्वी आई छोटा सा हो गया शुक्र क्योंकि पृथ्वी और शुक्र दोनों ग्रह है लेकिन अलग अलग है ठीक है इससे दोनों में कोई रिश्ता नहीं है और मेरे भाई इन दोनों के जो है वो ग्रह के अंदर आते हैं तो एक बारह सा बनाएंगे वो क्या होगा ग्रह होगा यानी कि पृथ्वी और शुक्र अलग अलग ग्रह है लेकिन बारह एक बनाएंगे क्योंकि एक ग्रह के अंदर रहते जो बारह वाला होगा एक ग्रह का कर निरूपित करेगा यानी कि अब बनाएंगे ये जो पर ये बना है ये क्या बना है तो मेरे भाई इसको हमने बना दिया है क्या तो पृथ्वी बना दिया पृथ्वी इ छोटका क्या हो गई तो इ हो गल शुक्र ई शुक्र हो गया और देखो यहां पर ये जो बारह वाला दिख रहा इ क्या हो गया तो ग्रह हो गया कहने का अर्थ मेरे भाई मेरे बंधु और इसका आंसर क्या हो जाएगा अब इस जो छोटा वाला पृथ्वी और शुक्र दोनों ग्रह है लेकिन अलग अलग है तो अलग अलग दोनों को बना देंगे और एक बारह सा ग्रह में घेर देंगे और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ठीक है तो चलिए मैं पाँच नंबर प्रश्न की ओर चलता हूँ पाँच नंबर प्रश्न कहता है एस एस सी सी मार्च दो हजार बीस के थर्ड पाले में प्रश्न को पूछ लिया गया है ठीक है चलिए जितना भी मैं प्रश्न कराता हूं बेटा इस सभी का सभी एस एस सी प्रीवियस ईयर प्रश्न को कराता हूं जैसे कहता है एन सी ई सॉरी एन ई सी टी ए आर को डी एफ ओ एस बी यू लिखा जाता है तो उसी भाषा में सी ए आर पी ई -E टी कारपेट को कैसे लिखा जाएगा तो मेरे भाई कुछ ना करना सीधे देखो कि इसको कैसे चेंज किया देखो यहाँ पर है एन है एन के बाद में क्या है एन के बाद में है ई e है उसके बाद में सी है उसके बाद में टी है उसके बाद में टी के बाद क्या है तो टी के बाद जो है मेरे भाई वो ए है उसके बाद में है क्या तो आर है ठीक है टी के बाद ए है उसके बाद आर है इसको चेंज किया है कैसे तो इसको चेंज किया है डी एफ उसके बाद ओ एस बी यू से यूं से चेंज किया है उसी प्रकार हम क्या करेंगे मेरे भाई कि यहाँ पर लिखा है कारपेट कारपेट को कैसे चेंज करेगा हमसे वो प्रश्न को पूछ लिया जाएगा देखो मेरे भाई मेरे बंधु यहाँ पर तुम लॉजिक को पहचानो और लॉजिक को पहचान वीडियो का यहाँ पे पॉज करो और तुम लॉजिक को पहचान कर अपने मन से यहाँ बनाना शुरू करो तो मेरे भाई मेरे बंधु हम सबको देख रहे हैं यहाँ पर चलिए अब आप लोगों ने बना लिया होंगे हम आपको बताता हूँ कि क्या देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो एन है एन चौदह पे होता है इसको कैसे सिंबल में चेंज किया तो देखो एन से ओ को बनाया है तिरछा क्रॉस पैटर्न लगाओ यानी कि तिरछा तिरछी कैंची की तरह एन से ओ बनाया है कैसे एन का क्रमांक होता है चौदह चौदह से पंद्रह बनाया है ओ तो इसमें प्लस का वन किया है ओहो सी से डी को बना दिया है और ई e F को बना दिया है और इन तीनों में क्या किया है प्लस का वन किया है यानी कि इसमें भी प्लस का वन इसमें भी प्लस का वन। ना समझ लो बाबू बिल्कुल देखो एन से ओ को बनाए एन का क्रमांक होता है चौदह ओ का होता है पंद्रह चौदह से पंद्रह बनाने के लिए इसमें प्लस का वन करना होगा उसके बाद मेरे भाई यहाँ देख रहे हैं सी का क्रमांक होता है तीन से बना दिया है डी यानी कि डी क्या क्रमांक होता है चार तो इसमें भी प्लस ऑन किया है और ई क्या क्रमांक होता है पांच एफ का क्रमांक होता है छ इस से को बनाया तो यानी कि पॉलस का वन इसमें यानी कि कैंची गुना अब देखो यहाँ समझो आर का क्रमांक होता है अठारह और एस का क्रमांक होता है उन्नीस तो अठारह से उन्नीस बनाया है इसमें क्या प्लस वन नहीं करना होगा बिल्कुल करना होगा उसके बाद टी का क्रमांक होता है बीस और उसको बना दिया है कितना तो इक्कीस बीस को इक्कीस बनाने के लिए इसमें भी प्लस का वन करना होगा और देखो ए का क्रमांक होता है ए जबकि बी का क्रमांक होता है दो तो एक से दो बनाने के लिए क्या बेटा इसमें भी प्लस वन करना होगा कनेक मतलब तिरछा तिरछी कैचिया क्रॉस पैटर्न को लगाया है लेकिन प्लस क्या वन करके उसके साथ में लगाया तो हम भी लगा देंगे सी जाएगा यहां पर आर जाएगा यहां पर और ए जाएगा यहां पर और इन तीनों में प्लस का मान हम लगा देंगे ठीक है देखो तो देखो सबसे पहले आर को चेंज करो क्योंकि आर के चेंज करोगे तो पहले आएगा आर होता है अठारह पर इसमें प्लस का वन जब हम करेंगे अठारह में प्लस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई उन्नीस हो जाएगा ठीक है और देखो उसके बाद है ए ए में हम प्लस का वन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है और देखेंगे आगे जब हम देखेंगे मेरे भाई आगे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो क्या होगा उसको तुम ध्यान से देखो क्या है तो सी सी में प्लस वन सी क्या क्रमांक होता है तीन और इसमें प्लस वन करेंगे तो ये बनाएगा कितना तो डी बनाएगा क्या तीन ऑप्शन से देखो तीन गो एस बी डी इससे कोई ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई एस बी और डी एस बी और डी बी में भी है एस बी और डी ऑप्शन सी में भी है यानी कि हमको और आगे जाना होगा उसके बाद यहाँ पर लगा दो पी जाएगा यहाँ पर टी आएगा यहाँ पर और ई जाएगा बीच में और इसमें प्लस का वन करना होगा चलिए इसको अब हम प्लस वन करके बताते हैं देखो मेरे भाई मेरे बंधु यहाँ पर टी होता है बीस पर इसमें प्लस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा यू हो जाएगा और ए बी सी डी का चार लेटर है निकालते ही मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया क्यों क्योंकि मेरे भाई मेरे बंधु यहाँ पर एस बी डी ऑप्शन नंबर केवल और केवल सी में दे रखा है इसीलिए आगे बनाने की ज़रूरत भी नहीं है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्या सी तो मेरे भाई मेरे बंधु आपको आगे भी बनाने की ज़रूरत नहीं है हम आपको समझाने के लिए आगे बना दे रहे हैं लेकिन आप लोग एग्जाम में चार को ही लेटर निकालेंगे उसे आप उससे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा ठीक है चलिए ई में हम एक जोड़ेंगे ई का क्रमांक होता है पाँच पे इसमें एक जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा कितना छ पी का होता है सोलह सोलह में एक जोड़ेंगे तो सत्रह सत्रहवा जो लेटर होता है वो होता है क्यों तो इस प्रश्न का आंसर सी हो गया ठीक है तो आप लोग बेसिक बात को समझिए यहाँ पर क्या लॉजिक है उसको समझते चलिए चलिए अब बढ़ते हैं हम नंबर प्रश्न की तरफ छ नंबर प्रश्न क्या कहता है ध्यान से देखेंगे दिए गए प्रश्न में विषम को छांटना है ओहो और एस एस सी एच एस एल टीयर वन तेईस जनवरी 2017 के थर्ड पाली में पूछा हुआ प्रश्न है चलिए इसको हम देखते हैं कैसे होगा यहाँ पर ऑप्शन ए रतौनी दिया है ऑप्शन बी स्कर् दिया है ऑप्शन सी बेरी बेरी दिया है ऑप्शन डी एड्स दिया है मेरे भाई मेरे बंधु रतौद ही और बेरी बेरी ये तीनों जी बीमारी होती है ये विटामिन की कमी के कारण होती है ठीक है जबकि एड्स है वो क्या बिषारों के कमी के कारण नहीं कि ये एक वायरस है तो इसीलिए ये जो ये तीनों जो है एक ग्रुप का है और हमारा डी एड्स जो है इससे अलग हो जाएगा यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चलिए बताते हैं सात नंबर प्रश्न सात नंबर प्रश्न है राजस्थान का संबंध जयपुर से है उसी प्रकार मेघालय का संबंध किससे होगा हमसे हमको बताना होता है मेरे भाई मेरे बंधु हम सभी कोई जानते हैं कि राजस्थान की जो राजधानी होती है कहाँ होती है राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर में है उसी प्रकार मेघालय की राजधानी कहाँ है तो मेघालय की जो राजधानी है मेरे भाई वो शिलोंग है ठीक है मेघालय के राजधानी कहाँ है? है तो शिलोंग है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही शिलोंग चलिए आठ नंबर प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं आठ नंबर प्रश्न है संबंधित संज्ञा को पता लगाना है यहाँ पर जो बता रहा है बारह का संबंध एक सौ पचास से है उसी प्रकार चौदह का संबंध किससे होगा हमको बताना होता है देखो मेरे भाई यहाँ पर हम देखेंगे कि बारह से एक सौ पचास को कैसे बनाया है सबसे पहले यहाँ पर बारह है उसके बाद में है अनुपात उसके बाद में है एक सौ पचास इसके आगे जो लिखा है वो लिखा है चौदह इसके आगे लिखा है चौदह उसको आगे क्या होगा बताना है और एस एस सी एच एस एल चार अगस्त दो हजार इक्कीस को एक प्रश्न पूछा गया था चलिए इसको हम कैसे बनाते हैं ध्यान से देखेंगे बारह से एक सौ पचास बनाने के लिए हमको करना होगा क्या क्योंकि बारह का जो हम उसमें करेंगे हम स्क्वायर बारह का करते हैं स्क्वायर और उसमें इस बारह के आधा बारह के स्क्वायर करके इस बारह का आधा कितना होता है छः इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई इसका आंसर आ जाएगा एक सौ पचास अब देखो बारह का जो स्क्वायर होता है वो होता है एक सौ चौवालीस और इसमें हम बारह के आधा छः को हमने जोड़ा तो एक सौ चौवालीस या छः कितने एक सौ पचास हो गया बिल्कुल सही बात है उसी प्रकार हम भी करेंगे क्या जो चौदह है इसका कर देंगे पहले स्क्वायर यानी कि चौदह के करेंगे स्क्वायर और इसमें इस चौदह के आधा जोड़ेंगे तो चौदह के आधा सात होता है चौदह का स्क्वायर एक सौ छानबे होता है और इसमें जोड़ देना है सात तो एक सौ छानवे में सात को हम जोड़ेंगे तो जानते हैं बाबू ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा दो सौ तीन और दो सौ तीन कौन सा ऑप्शन में दे रखा है तो दो सौ तीन ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आप लोग प्रश्न को रटिए नहीं समझिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न था चलिए नौ नंबर प्रश्न को हम देखते हैं नीचे दिए गए प्रश्न में बीचम, चुनना है यानी कि चार ऑप्शन इसमें से कौन सा ऑप्शन भिन्न है हमको बताना है देखेंगे हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई देखो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन ए में जो पहला यहाँ पर छ है और लास्ट में क्या लिखा है तीन पहला छ है और लास्ट में तीन है तीन सॉरी पहला जो लिखा है वो छ अंक है और लास्ट में अंक तीन लिखा है इनको जोड़ो तीन में हम तीन सॉरी इस छह में हम इस तीन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा उसी प्रकार से मेरे भाई चार और तीन को जोड़ेंगे तो सात यानी कि दोनों अरिया जोड़ने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए तीन और पाँच आठ बिल्कुल सही बात है यानी कि अरिया अरिया के नंबर को जोड़ेंगे तो बीच वाला नंबर आ जाएगा क्या इसमें आ रहा है दो और सात नौ होता है जबकि यहाँ पर बीच में आठ लिखा है इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर नहीं समझे फिर से बताता हूँ देखो कैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर यहाँ पर जो छः सौ तिरानवे लिखा हुआ है ना इसमें जो पहले और लास्ट यानी कि दोनों नंबर को जब फर्स्ट और लास्ट को जोड़ रहे हैं तो बीच वाला नंबर आ जा रहा है यानी कि चार और तीन को जोड़ रहे तो और को रहे, तो और और को को रहे है उसी प्रकार, तो प्रकार तो जबकि आठ दिया इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी सा हो जाएगा चलिए तो आप लोग तरीका को समझिए बात को समझिए चलिए बढ़ते हैं दस नंबर प्रश्न की ओर दस नंबर प्रश्न कहता है दिए गए प्रश्न आकृति कौन से विकल्प में छुपी हुई है आप लोग इस बात को समझिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ये प्रश्न है यानी कि डब्लू की तरह प्रश्न है ठीक है यानी ई डब्लू की तरह जो प्रश्न है ना ये कौन सा ऑप्शन में छिपा हुआ है ये चारू ऑप्शन में से वही वह हमको बताना होता है इस देखेंगे डब्लू किस ऑप्शन में मेरे भाई यहाँ पर क्या ऐसा सिंबल बन रहा है ऑप्शन डी में तो बन ही नहीं रहा है कहीं भी देख लो ऑप्शन डी तो ऐसे ही गलत है और ऐसे सी सीजियल सात जून दो हजार उन्नीस को ये प्रश्न पूछा गया था भाई अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या यहाँ पर उस वैरायटी का डब्लू बन रहा है यहाँ पर तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे बन रहा है एक ऐसे बन रहा है नहीं नहीं यहाँ भी डब्लू नहीं बन रहा है इसीलिए हो जाएगा गलत आ यहाँ देखें कि क्या सी में बन रहा है सी में एक ऐसे लाइन खींच के ऐसे खींचा है इसके बाद तो कोई बन ही नहीं रहा है लेकिन ऑप्शन नंबर हम ए में जा रहे हैं तो मेरे भाई देखो कहाँ पर डब्लू दिखाते तो हैं यहाँ से ऐसे 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 करके ऐसे बना हुआ ध्यान से देखो एक लाइन खींचा है एक लाइन खींचा है कहाँ तो ऐसे खींचा उसके बाद ऐसे ऐसे खींचा है देखो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप कहेगा भैया इसमें बताइए कहाँ लिखा है तो रे बाबू यहाँ देखो यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचा है उसके बाद ऐसे खींचा है उसके बाद ऐसे खींचा है उसके बाद ऐसे खींचा है इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चलिए इसमें हम बना भी देते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा ऐसे करके ऐसे बनाया हुआ है ठीक है चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आप लोग इस प्रश्न का भी आंसर दे चुके चलिए अब बढ़ते हैं ग्यारह नंबर प्रश्न ग्यारह नंबर प्रश्न को आप लोग रोड वीडियो को रोक दीजिए और अपने से ट्राई कीजिए चलिए यहाँ पर प्रश्न कहता है नीचे दिए गए वन श्रृंखला को पूरा करना यानी कि जो खाली खाली यहाँ पर जो जगह दिख रहा है यहाँ पर क्या भरा जाएगा हमसे पूछ रहा है चलिए तो इसको हम बनाने के लिए कैसे बनाते हैं ध्यान से देखेंगे इसको बनाने के लिए मेरे दोस्त एक ही मेथड है ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करेंगे और ऐसे सी पी ओ ऑनलाइन परीक्षा ग्यारह ग्यारह दो हज़ार बाईस के थर्ड पाली में पूछा गया प्रश्न बिल्कुल आसान सा प्रश्न है थोड़ा सा लॉजिकल ये प्रश्न होता है देखो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है इसीलिए थोड़ा टफ लगता है ग्रुपिंग मेथड का आता है क्या कि सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है इसको तुम काउंट करो तो काउंट करो कितना है काउंट हम करेंगे तो एक दो देखो एक आर है एक खाली स्थान दो एक एस तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ओहो मेरा काम ही बन गया क्योंकि इसमें सोलह लेटर है ठीक है और सोलह लेटर है तो चार चार के ग्रुप बना दो आँख मुन के ठीक है चार चार के ग्रुप बना दो तो एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन अब चार, चार तो देखो क्या अब दूसर का स्टेप हमारा होता है क्या ये पहला जो ग्रुप है ये सभी का सभी अपने आप में एक ग्रुप बन गया क्या एक ग्रुप सब सेम है हमको चेक करना होता है हमने मान लिया थोड़ा देर के लिए सेम है तो देखो इस वाले ग्रुप में हम देख रहे हैं इस वाले ग्रुप में पहला जो लेटर आ रहा है तो इसमें भी पहला लेटर आर है ठीक है तो इन दोनों में खाली है तो इसमें पहला लेटर आर भरा जाएगा अब देखेंगे इसमें हम देख रहे हैं कि लास्ट लेटर जी है इसमें लास्ट लेटर जी है तो इसमें भी लास्ट लेटर भरा जाएगा इसमें भी लास्ट लेटर भरा जाएगा तो ऐसे हम इसको भरने भरते हैं कैसे देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है तीन नंबर ग्रुप में देख रहे फर्स्ट लेटर आर है फर्स्ट भी फर्स्ट लेटर आर है तो सेकेंड में फर्स्ट लेटर क्या भरा जाएगा तो आर भरा जाएगा चलिए अब हम चलते हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें आर के बाद क्या है तो आर के बाद है टी ओहो हमारा पूरा इकम्प्लीट हो गया अब देखेंगे अब इसको उठाकर हम किसी भी ग्रुप को भर सकते हैं दूसरा का जो ग्रुप उठा लिए क्या है आर टी एस जी तो इसमें है पहल का भर रहे हैं आर के बाद क्या आएगा तो आर के बाद आएगा मेरे बाबू यहाँ पर जो आर के बाद क्या आएगा तो आर के बाद आएगा कितना तो टी आएगा आर के बाद टी आएगा उसके बाद एस है उसके बाद में आएगा क्या तो जी आएगा ठीक है इसमें भरा गया अब आर टी उसके बाद क्या आएगा तो एस आएगा ठीक है उसमें क्या आएगा इसकी जगह पर आएगा आर टी एस यहाँ पर क्या आ जाएगा तो जी आ जाएगा तो मेरे भाई क्या क्या हमने भरा तो सबसे पहले टी भरा उसके बाद जी भरा उसके बाद आर भरा उसके बाद मेरे दोस्त टी भरा उसके बाद एस भरा उसके बाद आर भरा उसके बाद जी भरा यानी कि टी जी आर टी जी आर टी एस आर जानि कि ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही ऐसा दिख रहा है तो मेरे भाई ये प्रश्न थोड़ा सा लॉजिकल था जो भाई ने इस प्रश्न को बनाया होगा वो गुड वेरी गुड उसकी जानकारी थोड़ा सा नहीं था चलिए बढ़ते हैं बारह नंबर प्रश्न की तरफ बारह नंबर प्रश्न कहता है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करना यानी कि जो सीरीज दी गई है नॉन वर्बल का रीजनिंग है यानी कि यहाँ पर फिगर वाले सीरीज है कैसे बनाते हैं इसको देखो सबसे पहले पहला बॉक्स में हम देख रहे हैं कि एक एरो है इस वैरायटी से दूसर का बॉक्स में हम देख रहे हैं कि एरो बनाया है लेकिन इसमें था, इसमें गो कर दिया कैसे और इसमें इस वैरायटी कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इस फिगर में जा रहा था तो इसमें उल्टा कर दिया एक बढ़ा दिया और उल्टा कर दिया जब हमने तीन नंबर में गया तो फिर से इसको उल्टा किया यानी कि एरो को ऐसे घुमा दिया और मेरे भाई यहाँ पर दो था तो यहाँ पर तीन गो हो गया इसमें हम देख रहे हैं कि फिर से उल्टा कर दिया और इसमें चार गो बना दिया नहीं समझे नहीं समझे फिर देखिए यानी कि इसमें एक एरो था ऐसे करके इसमें दो गो एगो है तो इसमें दो गो कर दिया और दोनों को इस वैरायटी से इस पे चला रहा है इस वाले में तीन गो ए कर दे इसके ऐसे चला रहा है इसमें चार कर दिया इसको ऐसे चला रहा है तो इसमें हम पाँच कर देंगे और ऐसे चला देंगे और मेरे भाई मेरे बंधु एक दो तीन चार पाँच ऑप्शन नंबर ए ही एक ऐसा है जो कि उस वैरायटी से दिख रहा है ठीक है यहाँ पर ऑप्शन सी में है लेकिन ऑप्शन सी में इस तरह चल रहा है इस तरह नहीं आंसर होगा हमारा आंसर इस तरह चलना चाहिए वो वाला होगा ठीक है तो मेरे भाई यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा और क्योंकि इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में, तीन, 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 में छो जो एरो दी गई है और सी है तेरे एस एस सी एच एसल तेरह मार्च दो हजार इक्कीस के सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया चलिए तो अब बढ़ते हैं हम तेरह नंबर प्रश्न की लास्ट प्रश्न की ओर क्या कहते हैं नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करना है और एस एस सी सत्रह अगस्त दो हज़ार इक्कीस के फर्स्ट पाले में पूछा गया है और फिर से एस एस सी तेरह अगस्त दो हज़ार इक्कीस को सेकेंड शिफ्ट में यही प्रश्न को पूछ लिया गया था क्या है ध्यान से देखेंगे तो वो है हाँ जो डब्लू है उसके बाद यू है डब्लू के बाद यू है फिर से डब्लू है उसके बाद टी है एस है उसके बाद भी है उसके बाद क्यू है उसके बाद क्यू है उसके बाद यू है उसके बाद उसके बाद आगे जो लिखा है एन है उसके बाद टी ओ है उसके बाद टी है और यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह इनको बनाते हैं कैसे मेरे भाई हम सभी कोई पहले देखेंगे यहाँ पर W से मेरे बाबू टी कैसे बना तो W का क्रमांक होता है तेईस तेईस से टी यानी कि तेईस से बना है टी का को होता है बीस तो तेईस से बीस बनाने के लिए इसमें माइनस का क्या करना होगा तीन करना होगा चलिए अब मेरे दोस्त टी से बनाया है क्यों टी का क्रमांक होता है बीस और क्यू का क्रमांक होता है सत्रह तो बीस से सत्रह बनाने के लिए इसमें माइनस का तीन किया गया है चलिए क्यू का सर क्रमांक होता है सत्रह और एन का क्रमांक होता है चौदह तो सत्रह से चौदह को बनाने के लिए माइनस का तीन करना होगा यानी कि जो लेटर यहाँ पे जो सीरीज का फर्स्ट लेटर है उसमें माइनस का तीन कर रहा है तो एन का क्रमांक होता है चौदह इसमें से माइनस का तीन हम करेंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा तो इसमें से माइनस का तीन हम करेंगे तो चौदह में से तीन जाएगा तो कितना के और के हमारा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है मेरे भाई के ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है इसके बाद किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बिल्कुल सेकेंडों में हमने किया आगे भी बनाने की जरूरत नहीं है अब कुछ बच्चा बोलेगा कि भैया नहीं पूरा बनाइए हमको तो बताना मजबूरी है लेकिन आप लोग एग्जाम में ऐसे ही बनाएंगे चलिए हम आपको बता देते हैं लेकिन आप लोग एग्जाम में केवल एक लेटर के चेंज करते हैं आंसर आ गया तो आगे बनाने की क्या जरूरत है चलिए हम आपको चेंज करने का तरीका बता देते हैं चलिए आप देखेंगे सेकेंड लेटर से सेकेंड लेटर को चेंज कैसे किया है यूं से देखो एस कैसे बनाया है यूं का क्रमांक होता है इक्कीस और एस का होता है उन्नीस तो इक्कीस से उन्नीस बनाने के लिए मेरे बाबू इसमें माइनस का दो करना होगा ठीक है उसके बाद एस का अन्स होता है एस से क्यों कैसे बनाया तो मेरे बाबू इसमें भी माइनस को दो किया है कैसे उनइस में से दो घटेगा तभी तो सत्रह बचेगा क्यों का कर्मा को होता है सत्रह और सत्रह से ओ होता है पंद्रह पर तो ओ कैसे बनाए इसमें भी माइनस का दो किया है तो उसके बाद इस उस पंद्रह में से हम दो घटावेंगे तो कितना हो जाएगा के, के बाद क्या आ जाएगा तो के के बाद आ जाएगा कितना तेरह यानी कि ओ के बाद लेटर जो आता है तेरह आता है हो जाएगा तेरह चलिए उसके बाद एक और आपको बता दें काहे कहेगा कि भैया ना बताएं उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर देखेंगे डब्लू से मेरे बाबू डब्लू से भी कैसे बना डब्लू का क्रमांक होता है तेईस जबकि भी के क्रमांक होता है बाईस यानी कि इसमें माइनस का वन किया है चलिए और भी का बाईस होता है यू का होता है इक्कीस तो भी से इक्कीस कैसे बना यानी कि बाईस से इक्कीस क्या इससे बना इसमें भी माइनस का वन किया है उसी प्रकार यू का क्रमांक होता है इक्कीस और टी का बीस यानी कि यूँ से टी बना इसमें भी माइनस का वन किया है चलिए तो टी से हम भी बना देंगे माइनस का वन करेंगे टी का बीस इसमें से एक घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा ऐसे हो जाएगा कि के एम एस इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना के है उसके बाद एम है उसके बाद एस यानी कि के एम एस ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है ठीक है तो आप लोग प्रश्न को रटिए नहीं बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न था एस एस सी सी जी एल का प्रश्न था मेरे बाबू तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे चलिए तो मेरे दोस्त आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे तो चलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद